हेलो एवरीवन, मैं अंजू तोमर, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है 7 जीन्स जो कि मैंने मीशो से ली है एंड देखते हैं मैं किस तरह से रिसीव हुई है। इनका जो स्टार्टिंग प्राइस है आई थिंक 260 से स्टार्ट है एंड 700 के अंडर में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना तभी आपको पता चलेगा। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए ओके, सो स्टार्टिंग करते हैं हमारे फर्स्ट जीन से। सो ये जीन्स कुछ इस तरह की है, बेज कलर की जीन्स है एंड कार्गो जीन्स है। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है ये वाली जीन्स। इसका जो प्राइस था वो 697 रुपीज़ एंड इसका जो साइज़ था 26 साइज़ में इसको मैंने लिया है। इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल वाली जीन्स नहीं है ये। मैंने कोशिश करी है कि सारी जीन्स में नॉन स्ट्रेचेबल मंगवाऊँ तो ये भी स्ट्रेचेबल बिल्कुल भी नहीं है एंड ये थोड़ी सी मुझे टाइट आ रही है, मतलब जिप नहीं लग रही है। पता नहीं कैसे कैसे तो मैंने फंसा रखी है इसको, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें मैं 28 साइज़ मंगवाने वाली हूँ। मतलब इस जीन्स में आप ऐसा मत सोचना कि इसका साइज छोटा है, मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ इसलिए मुझे ये जीन्स टाइट आ रही है। सो इसमें अगर आपका 26 साइज है तो आप 26 ही मंगवाना, आपको परफेक्टली फिट आएगी। सोच रहे हो बाय करने की तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। बढ़ते अपनी दूसरी जीन्स पे। सो ये रही हमारी दूसरी जीन्स जो कि है कुछ इस तरह की, बिल्कुल स्ट्रेट फिट जीन्स है ये एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसमें जो साइज़ मैंने मंगवाया हुआ है वो 28 मंगवाया हुआ है एंड इसका जो प्राइस था आई थिंक 450 समथिंग आपको यहाँ मिल जाएगा, 450 समथिंग इसका प्राइस था एंड मुझे ये जीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है एंड इसकी जो जिप एंड बटन है इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड मेरे पे जो पहन के भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, फिट आ रही थी बिल्कुल। तो एंड अगर आप सोच रहे हो इसको बाय करने की तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जीन्स है। ओके सो अब बढ़ते हैं हम अपनी थर्ड जीन्स पे जो कि पैंट है। सो पता नहीं मैंने ये पैंट क्यों मंगवाई भी, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी इसलिए मंगवा ली। 400 की ये पैंट थी, मतलब ये 450 की ये पैंट थी तो मुझे ये दिखी तो मैंने तुरंत से मंगवा ली। अनबॉक्सिंग नहीं दिखा रही हूँ, टेंशन मत लो। सो ये है लेदर वाली जो पैंट्स आती है वो एंड पता नहीं मैंने इसको क्यों लिया, मुझे आई थिंक ऐसा लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती है इस वजह से मैंने तुरंत इसको बाय कर लिया। मुझे नहीं पता था ये स्टॉक में रहेगी नहीं रहेगी तो मैंने इस करके इसको बाय कर लिया। वैसे ये गर्मियों की बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप विंटर्स में ही पहन सकते हो। सो इसकी क्वालिटी मतलब मैं आपको कुछ बोल नहीं सकती हूँ, ये देखो आप एंड पीछे से ये कुछ इस तरह की है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ इस तरह की है, ये देखो। सो ये पैंट इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है एंड विंटर्स के लिए ये ना परफेक्ट है, बट अभी मैंने इसी वजह से ली कि मुझे पता नहीं दोबारे स्टॉक में होगी नहीं होगी क्योंकि काफ़ी सस्ती थी। मतलब इस तरह की पैंट्स ना आपको 1000 से नीचे तो आप सोच ही नहीं सकते हो और ये मुझे 500 से भी नीचे मिल गई तो इसलिए मैंने इस पर चांस नहीं दिया, मैंने इसको ख़रीद लिया। अगर आप भी इस तरह की कोई पैंट ढूंढ रहे हो ना तो आई थिंक आप विश लिस्ट में तो इसको डाल ही लेना, विंटर्स जब भी आएंगे तो आप इसको बाय कर सकते हो। क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इसमें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसके बटन की, इसके जिप की, दोनों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे थोड़ी सी लंबी है तो मैं इसको शायद कटवाऊँगी नीचे से। सो या मेरी हाइट 5 है तो मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा ही छोटी है तो इसलिए मुझे लंबी आ रही है, बट अगर आपकी 5'2" 5'3" हाइट है ना तो ये आपको बिल्कुल फिट आएगी। सो अगर आप इसको बाय करोगे विंटर्स में तो बिना सोचे समझे इसको विश लिस्ट में डाल लो एंड देन जब विंटर आएंगे तुरंत पहले ही महीने इसको खरीद लो। ओके सो अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ जीन्स पे। सो ये जीन्स है कुछ इस तरह की, डार्क ब्लू कलर की ये जीन्स है कुछ इस तरह की एंड नीचे से कुछ इस तरह की डिटेलिंग है इसमें, आगे से ये कुछ ऐसी है एंड इसको ना मैं एक बारी पहन भी चुकी हूँ एंड मुझे ये जीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसका जो प्राइस था आई थिंक कितना था, एक मिनट देख के बताती हूँ, इसका जो प्राइस था 406 रुपीज़। मतलब यार इतनी अच्छी क्वालिटी की जीन्स आपको 400 रुपये में मिल रही है एंड इसका जो साइज़ है वो 28 साइज़ है एंड मुझे काफ़ी अच्छे से फिट भी आ रहा है। मुझे ये जीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको
पहले ही पहन भी लिए एक बारी। इसकी क्वालिटी, इसके जिप, इसकी बटन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड ये इकलौती जीन्स है जो कि थोड़ी सी स्ट्रेचेबल भी है, बट इट्स ओके, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एंड आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है ये पहनने के बाद भी। सो अगर आप इसको बाय करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। तो अब बढ़ते हम अपने फिफ्थ जीन्स पे, जो कि है कुछ इस तरह की। ओवरऑल अगर आप देखो तो इस तरह का पैटर्न इस पे बना हुआ है, आगे इसके जिप है कुछ, एंड पीछे इसका इलास्टिक दिया हुआ है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मतलब इसका जो कपड़ा है ना वो थोड़ा हल्का है, आगे से इस तरह से जिप है और पीछे से इलास्टिक दी हुई है। मतलब जिसमें इलास्टिक होता है ना वो जीन्स मुझे बहुत कम पसंद आती है, बट मुझे लगा था ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी में आ जाएगी। इसका जो प्राइस था 321 रुपीज़ था, आपको यहाँ मिल जाएगा। एंड आई थिंक साइज़ इसमें 28 मंगवा रखा है मैंने, वो भी आपको यहाँ पे मैं दे दूँगी। सो इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी हल्का लग रहा है मुझे, ऑल्दो इतना बेकार कपड़ा नहीं है बट थोड़ा सा हल्का लग रहा है। बाकी इसको पहनने के बाद बताती हूँ। इस जीन्स को पहन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक झोलन माता लग रही हूँ। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इसको तो मैं रिटर्न करने वाली हूँ फॉर श्योर, एंड बिग नो फॉर दिस जीन्स। मतलब बहुत ही घटिया जीन्स मुझे ये लगी, 321 रुपये की थी, बहुत ही बेकार जीन्स है। तो अब है मेरी सिक्स जीन्स, जो कि है कुछ इस तरह की। ये मैंने सोच के ली थी, थोड़ा सा अलग करती हूँ। इस पहले तो ये नीचे वाला डिज़ाइन देख लो आप, तरह से इसमें पैटर्न दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी है। एंड ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल सिंपल है, पीछे से इलास्टिक वाला है, एंड स्ट्रेचेबल वाला कपड़ा नहीं है, नॉन स्ट्रेचेबल कपड़ा है। आगे से इसके इस तरह से बटन दिए हुए हैं, एंड इसमें दो ही पॉकेट्स हैं। सो ये चीज़ है, पीछे इसमें कोई भी पॉकेट नहीं दिया हुआ है। कपड़ा इसका जैसा पिछली जीन्स का था ना हल्का वाला कपड़ा, वैसा ही इसका भी कपड़ा है। तो इसको मैं ना पहनने के बाद ही रिव्यू करती हूँ। सो जल्दी से इसको पहनते हैं। ओके, सो पहनने के बाद ये जीन्स कुछ इस तरह की लग रही है। मतलब देखो इसका जो कपड़ा है ना वो हल्का है, पहनने के बाद ये मतलब ओके काइंड ऑफ जीन्स लग रही है। मतलब मैं इसको रखूँगी नहीं, बट उतनी बेकार भी नहीं है। देखो आप, लुक थोड़ा अच्छा ही लग रहा है और काफ़ी हल्का कपड़ा है, इसको पहन के लग भी नहीं रहा था मैंने कुछ पहना हुआ है। मतलब मैं रखूँगी तो नहीं, बट अगर आपको ठीक लग रही है तो आप मार्केट जाने के लिए तो इसको वियर कर ही सकते हो, इतनी इसकी क्वालिटी है। बट ऐसे कहीं आप कहीं जा रहे हो घूमने फिरने, तब आप इसको नहीं पहन सकते, उस लेवल की क्वालिटी इसकी नहीं है। ओके, सो सबसे लास्ट जो जीन्स है वो मैंने ये मंगाई थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देख लो मैंने ये मंगाई थी। एंड आप यहाँ पे देख लोगे मैंने ऑर्डर किया हुआ, मुझे डिलीवर्ड भी हो रखी है। बट इस जीन्स की जगह मुझे मीशो वाले ने पता है क्या भेजा, ये पैंट है, वो भी लड़कों की पैंट है और यूज़ की भी पैंट है। देख रहे हो आप, ये देखो यहाँ से फटा हुआ, ये निकला हुआ, ये देखो ये पीछे से निकला हुआ है, एंड आगे से देखो अच्छे से देखो फटा हुआ है। सो ये पैंट मुझे रिसीव हुई है इस जीन्स की जगह। मतलब मेरे 700 की आई थिंक ये जीन्स थी, तो मेरे 700 रुपये ना पूरे, मतलब क्या बोलूँ, ये मेरे साथ दो टाइम हो गया है। एंड मुझे नहीं पता ये अभी रिटर्न होगा नहीं होगा, जो भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। बट यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो रहा है मीशो से इस तरह से शॉपिंग करना। आई डोंट नो क्या करूँ मैं, मतलब बस क्या बोलूँ आगे दुख दर्द पीड़ा अभी मेरे 700 रुपये फंसे हुए हैं, एंड मैंने रिटर्न तो कर दिए इसको, अभी वो पिकअप करने के लिए भी आएंगे, बट नहीं है वो जीन्स तो मीशो वालों से कैंसिल कर दो, बट इस तरह का काम मत करो हमारे साथ। सो ये था मेरा आज का जीन्स हॉल वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो। देखो इसमें, इस वाले वीडियो में जो 400 से ऊपर की जीन्स थी उनकी क्वालिटी मतलब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, जैसी नॉर्मली हाई क्वालिटी वाली जीन्स आती है ना बिल्कुल वैसी क्वालिटी थी। बट जो 400 से नीचे की, जैसे 300-200 की जो दो जीन्स मैंने ली है, वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, उनका जो कपड़ा था काफ़ी ज़्यादा हल्का था। सो अगर आप मीशो से कोई भी जीन्स ले रहे हो
तो आप 400 से ऊपर की ही जीन्स लेना। मैंने इससे पहले भी एक मीशो जीन्स हॉल किया हुआ है, उसमें भी उसकी वीडियो ये रही, अगर आपको देखनी हो तो देख लेना। एंड इसमें भी मैंने जीन्स मंगवाई हुई है, तो जो भी सस्ती रही है ना उसकी थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी 400 से ऊपर की ही जीन्स लेना। एंड इतनी सस्ती सस्ती जीन्स हैं यार, 700 रुपये के अंडर 700 के अंदर आपको इतनी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। सो यस, एंड मैं नेक्स्ट भी एक जीन्स हॉल करने वाली हूँ जिसमें कि मैं 450 के ऊपर वाली जीन्सें रखूँगी, बट 700 के अंडर वाली। एंड या सो अगर आपको नेक्स्ट हॉल भी देखना है जीन्स के ऊपर, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप जल्दी से वीडियो को देख लो। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।